गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप उन्हें क्लियर करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं एंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसमें क्विजेज भी होती हैं, आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। एंड जो लिंक है ग्रुप का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड अपने डाउट्स को क्लियर करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं टाइम एंड टेंसेस, एंड टाइम एंड टेंसेस का रूल्स का ये है पार्ट फोर। पार्ट तीन तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कराई थी, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस में पार्ट फर्स्ट करने के बाद हमने पार्ट टू में उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। पार्ट फर्स्ट में मैंने प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स करा दिए थे, यानी कि जो चार चार रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है सिंपल वाला, आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, उसके बाद क्या आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, राइट। उसके बाद जो आपका मतलब अगर आप प्रेजेंट ले रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो ये सारे ही मैंने पार्ट फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद पार्ट सेकंड में हमने उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पार्ट थ्री मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया है, जिसमें मैंने आपको पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस करा दिया है। अब ये है पार्ट फोर, इसमें हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, और उसके भी नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सभी के, ठीक है। सो इस तरह से हम करते जाएंगे, सारे टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करने वाले हैं पास्ट टेंस का, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं, और उन चार चार पार्ट के भी तीन तीन पार्ट होते हैं ये वाले। जैसे कि पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो पास्ट टेंस के क्या है, चार पार्ट हैं। कौन कौन से? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। बस आपको जैसे प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट लिखने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे पास्ट है वहाँ वहाँ प्रेजेंट लिख दोगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से अगर आपको फ्यूचर का लिखना है, तो आप जहाँ पर पास्ट है वहाँ पर फ्यूचर लगा दो। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह से आप लगा दोगे, ठीक है। सो इस तरह से हमारे सभी टेंसेज के चार चार पार्ट होते हैं, और उन चार पार्ट्स के भी तीन तीन पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिंपल पास्ट टेंस की, तो सिंपल पास्ट टेंस के तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, किसी भी बात को कहने के लिए हम तीन तरीके से कह सकते हैं। एक तो नॉर्मली हम कह सकते हैं, दूसरा हम उसमें नॉट लगा के बोल सकते हैं, नॉट लगा के, राइट। तीसरा हम उसको क्वेश्चन में बना सकते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव वे में बोल सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी बात को बोलने के तीन तरीके होते हैं। एक तो आप अफर्मेटिव में बना सकते हो, एक नेगेटिव में बना सकते हो, और इंटरोगेटिव में बना सकते हो। और चौथा तरीका अगर मैं बताऊँ, तो चौथा तरीका भी होता है। वो कौन सा होता है? जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हो और नेगेटिव भी यूज़ कर रहे होते हो, यानी कि उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें आपने क्वेश्चन भी पूछा और नॉट भी लगाया, तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो वो चौथा तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन वो तो हम बनाते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो तीन तरीके होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। तो सभी सेंटेंसेस से चार चार पार्ट्स होते हैं, और उन चार चार पार्ट्स के भी तीन तीन पार्ट्स ये होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर ही दिया था पार्ट वन में, और अब हम करेंगे इसमें पार्ट थ्री में पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। सभी में आपने देखा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? वॉज वर्ब का इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें खासियत यह है कि हमें सिर्फ वॉज वर्ब का इसमें यूज़ करना है, और किसी का यूज़ हमें इसमें नहीं करना है, ओके। तो सिर्फ वॉज वर्ब का जब आप यूज़ करोगे, उसके बाद आपको क्या करना होता है? वर्ब लगाना होता है। अब वर्ब कैसी आएगी इसमें? वर्ब आती है आपकी ing वाली, ओके। सो इस तरह से आपको ing वाली वर्ब यूज़ करनी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। सो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वॉज वर्ब लिखना होता है, उसके बाद वर्ब आप लिखोगे तो ing वाली लिखोगे, यानी कि उसमें ing ऐड कर दोगे, एंड देन आपको ऑब्जेक्ट आता है। सो ये है आपका स्ट्रक्चर। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड इन दोज सेंटेंसेज इन विच द एक्शंस हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड हैव बीन कम्प्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ मैंशन। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम पास्ट में हो चुका होता है, लेकिन वो पास्ट में जैसे कभी शुरू हुआ किसी टाइम पर, और पास्ट में ही किसी टाइम पर आकर ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई काम जनवरी में स्टार्ट हुआ और वो मार्च में आके फिनिश हो गया, तो वो पास्ट में फिनिश हो चुका है। मान लो अभी अक्टूबर चल रहा है, जैसे अक्टूबर का मंथ चल रहा है, लेकिन कोई काम हम
बोल रहे हैं किसी अपने काम के बारे में या किसी और के काम के बारे में बता रहे हैं कि उसका काम जनवरी में स्टार्ट हुआ एंड मार्च में फिनिश हो गया। तो ये काम देखो आप स्टार्ट भी हो चुका पास्ट में और फिनिश भी हो चुका है, यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस वे में चला था लेकिन वो अब फिनिश हो चुका है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट में कंटिन्यूस वे में चलना किसी काम का उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सो ये होता है इसका रीज़न। तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूस वे में चला और फिर फिनिश हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। दीज सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब। और हाँ, इन सेंटेंसेस का यूज़ हमेशा हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में करते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वॉज वर्ब हैं, तो हमेशा वॉज वर्ब लगा के ही इनको लिखा जाता है। उसके साथ में जो आप वर्ब लगाते हो उसमें हमें आईएनजी का यूज़ करना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड गिविंग द मेन वर्ब एंड आईएनजी एंडिंग, यानी कि एंड में आपको आईएनजी वर्ब के साथ में लगाना होता है। जैसे कि आप कोई वर्ब गो का यूज़ कर रहे हो तो आप गो में आईएनजी कैसे लगाओगे, गोइंग आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, गोइंग हो गया। इसी तरह आप ईट लिखा हो, अगर आपने ईट लिखा है तो आप उसको आईएनजी लगा के कैसे बनाओगे, आईएनजी लगा दिया क्या बन गया, ईटिंग। ठीक है, इसी तरह रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, बहुत सारे वर्ब्स आप आईएनजी लगा के बना सकते हो। तो ये होता है स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या करना है। देखिए अफर्मेटिव, मैंने आपको बताया था कि सभी चार सेंटेंसेस के जो तीन पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखिए क्या होता है, शी वॉज वॉचिंग टी वी वैन ही कॉल्ड हर। यहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस बनाया है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी है। अब शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ में गाइज वॉज आता है और प्लूरल के साथ में क्या आता है, वर आता है। यहाँ पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस बनाया है ये वाला, और हमने दे का यूज़ किया है प्लूरल के लिए, तो दे के साथ में हमने वर्ब का यूज़ किया, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सो वॉज वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सो देखिए हमने यह क्या सेंटेंस बनाया है, शी वॉज वॉचिंग टी वी वैन ही कॉल्ड हर। शी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ किया, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो क्या है, वॉच, यानी कि वो देख रहा था, तो मेन वर्ब वॉच है और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो वॉचिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है, वॉच वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है, आपका मेन वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो शी वॉज वॉचिंग टी वी वैन ही कॉल्ड हर। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने कैसे बनाया, पहले हमने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसके बाद वॉचिंग आपका मेन वर्ब हो गया एंड देन आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, दे वर वॉचिंग द मैच टुगेदर। सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म द सेंटेंस एंड आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, बहुत ही ईजी है। नेगेटिव सेंटेंस में बस हमें नॉट लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब नॉट लगाते कहाँ पर है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना उसके जस्ट बाद में लगाते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होता है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है उन दोनों के बीच में नॉट को लगाया जाता है। आप देख सकते हो उन दोनों के बीच में यहाँ पर नॉट को लगाया गया है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, या तो आप ये बोल दो कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद लगाया जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को लगाया जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट को ऐसे लगाना होता है, क्या बनता है सेंटेंस फिर, जैसे सेम वही सेंटेंस है दोनों, जैसे मैंने आपको पीछे यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस कराए थे, सेम वही सेंटेंसेस हैं, बस इसमें नॉट को ऐड कर दिया गया है। तो क्या बोलेंगे, शी वॉज नॉट वॉचिंग टी वी वैन ही कॉल्ड हर, और प्लूरल में क्या है, दे वर नॉट वॉचिंग द मैच टुगेदर। ठीक है, सो नेगेटिव सेंटेंस में हमने बस नॉट का यूज़ किया, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप देखो क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब, उसको हमें स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है। अब जैसे आप देखो यहाँ पे हमने वॉज वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दिया है, बस यही करना होता है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है। सो देखिए हमने क्या किया कि जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने मेन वर्ब लिखा, और बाकी फिर आपको ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, दोनों में यही हुआ है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब आया है और फिर ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, सो बस हमने क्या किया है, हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब था उसको उठा के
पहले रख दिया, बाकी का जो बचता है फिर वही आ जाएगा सीक्वेंस में, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ एज यू कैन सी वॉट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वॉज शी वॉचिंग टी वी वैन यू कॉल्ड हर, क्या वो टी वी देख रही थी जब तुमने उसे बुलाया, ठीक है। और इसका प्लूरल में कैसे बना है, वर दे वॉचिंग द मैच टुगेदर, क्या वो एक साथ मैच देख रहे थे। सो इस तरह से हमने इंटरोगेटिव को फॉर्म यहाँ पर किया है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव में बस एक चीज़ देखी, क्या कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में लगाना होता है। इसके अलावा गाइस, अगर हम कोई ऐसे सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, इनका यूज़ अगर हमें करना है, तो इनका यूज़ जब हम किसी सेंटेंस में करते हैं, जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, तो इनका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको इनके लिए, जब आप इनका यूज़ सेंटेंस में करोगे तो इन्हें इसके भी पहले लिख दोगे, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके पहले भी आप इनको लिख सकते हो। जैसे कि आपने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बोला, तुम कहाँ, नहीं, पास्ट में अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है, तुम कल कहाँ जा रहे थे, ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वेयर, ठीक है, सबसे पहले कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, और यू हमने बोला तुम, तुम के लिए क्या आएगा, यू आएगा, तो यू के साथ में तो वर आता है ना, इसलिए वेयर यू वर, वेयर वर यू, क्या बोलेंगे, वेयर वर यू, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, वेयर, उसके बाद लगाएंगे वर, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले वेयर, वेयर हो गया, या फिर आपका हाउ आ जाता है, ठीक है, या फिर व्हेन आ जाता है, यानी कि जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू एच का मतलब होता है डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले, वेयर हो गया, हाउ, और आपका एच से स्टार्ट होने वाले हाउ हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू एच से जो स्टार्ट होते हैं ये वर्ड्स, वेयर, व्हेन, हाउ, इनको हम क्या करते हैं सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के भी पहले यूज़ करते हैं अगर इनमें इनको सेंटेंस में यूज़ करना होता है तो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, तुम कल कहाँ जा रहे थे, यानी कि वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, क्या बोलेंगे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो वेयर होता है, व्हेन होता है, हाउ होता है, अगर ये आते हैं सेंटेंस में तो इन्हें हमें ऑक्सिलरी वर्ब के भी पहले यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर ये सब नहीं आता है तो फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब को ही सबसे पहले यूज़ करते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर डब्ल्यू एच एंड डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स आते हैं तो फिर हमें ऑक्सिलरी वर्ब के पहले उन्हें यूज़ करना होता है, यानी कि वेयर, जैसे हमने मान लो वेयर इसमें आ रहा है तो हम वेयर को इसके पहले यूज़ करेंगे, वॉच के पहले, ठीक है। अगर इसमें हाउ आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वर के पहले हाउ का यूज़ करेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस आपका सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया है किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करना होता है पास्ट टेंस में, ये सब हमने कर लिया। उसके बाद गाइस देखियो, हम कैचवर्ड्स में आपको बता देती हूँ, कैचवर्ड्स वही है, आप समझ गए होंगे कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ वो पास्ट में ही फिनिश हो गया कुछ टाइम चल कर, ठीक है। यानी कि वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस वे में चलना किसी काम का, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जनवरी में कोई काम स्टार्ट हुआ, मार्च में फिनिश हो गया, तो वो जनवरी में चला, फरवरी में भी चला, मार्च में आके फिनिश हो गया, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में फिनिश हो गया, अब इतना टाइम तक चला भी तो इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं कि कंटिन्यूअस वे में वो चला था पास्ट में, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस वे में चल रहा होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस वे में चला तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मान लो आज हमने कोई काम स्टार्ट किया है और वो काम हमारा अभी आगे तक चलेगा, राइट, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही जाके ख़त्म होगा, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप कल से कुछ काम स्टार्ट करोगे, कुछ नया स्टार्ट करोगे और कल से स्टार्ट करोगे और कहीं फिर किसी मंथ में जाके आप उसे फिनिश करोगे, तो ये फ्यूचर की बात होगी कि आप उसे अभी तक आपने उसे स्टार्ट नहीं किया, आप उसे स्टार्ट करोगे और आगे चल के वो फिनिश होगा, तो वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने समझ लिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ लिया और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ही फिनिश हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लिया है अच्छे से। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा अगर आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि बहुत ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी अच्छे से, कोई चीज़ आई थिंक रही नहीं है। अगर आपको डाउट है कोई भी तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है तो आपको यहाँ पर साइड में एक इस तरह से आई बटन बना हुआ देखेगा। सो आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो सारी इधर साइड में यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर कमेंट सेक्शन में जाके चेक करोगे ना, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन दोनों में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, या फिर आप चैनल में जाके देख सकते हो। एरर डिटेक्शन की वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, क्लोज टेस्ट की मिल जाएंगी, वोकैब की मिल जाएंगी, तो इंग्लिश के लिए जितना भी स्टफ होता है वो सारा पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेसेस, इन सभी की वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आपने इस वीडियो में आज क्या क्या सीखा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइज, ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ सजेस्टेड वीडियोस हैं जिन्हें आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं। सो इन पर अभी क्लिक करके आप देख लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।